राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया था और सांसद पद से हटा दिया गया था। अब उन्हें सांसद के रूप में बहाल कर दिया गया है और उन्होंने संसदीय सत्र में भाग लिया। संसद में उनके बयान का कई लोगों को इंतजार था। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उनका यह बयान भाजपा पर करारा हमला था। उन्होंने कहा, मुझे प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में कोई विकास नहीं दिख रहा है। मणिपुर में हिंसा 3 महीने से अधिक समय से बढ़ती जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने भारत माता की मृत्यु की बात कही और कहा कि सरकार ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है। राहुल गांधी ने देश की बिगड़ती स्थिति को लेकर सरकार पर हमला बोला। अपने बयान के बाद उन्होंने फ्लाइंग किस दिया और वहां से चले गए। कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य सदस्य जैसे TMC आदि अपनी मेज थपथपाने लगे। अब इस शख्स ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा, केवल एक महिला द्वेषी आदमी ही उस सांसद को फ्लाइंग किस दे सकता है जिसमें महिला सांसद बैठी है। देश के इतिहास में पहली बार कोई भारत की हत्या के बारे में बात कर रहा है और कांग्रेस मेज पीटती रही। देश की संसद में ऐसा अमर्यादित आचरण पहले कभी नहीं देखा गया है। सुश्री ईरानी ने 1975 के आपातकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया। ₹1984 के सिख विरोधी दंगों और कश्मीर में पंडितों के खिलाफ हिंसा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये सब तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। उस समय उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। ईरानी ने कहा, कांग्रेस एक स्वार्थी इकाई है जिसे देश के विकास की कोई चिंता नहीं है। वे भ्रष्ट है और केवल पैसे के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं। विपक्षी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ वंशवाद में विश्वास रखता है। वे ना तो योग्यता को महत्व देते हैं और ना ही देश के विकास को। एकदम भयानक। दूसरी ओर भाजपा योग्यता और राष्ट्र के विकास को प्राथमिकता देती है। इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने राजस्थान में हुए क्रूर सामूहिक बलात्कार और हत्या, और पश्चिम बंगाल में एक 60 वर्षीय महिला के साथ उसकी पोती के सामने बलात्कार के बारे में बात कही। पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में बहुत सारे मुद्दे थे।
वहां सत्ता में कौन है? आप इन सबके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण वर्षों तक भारत की जनता परेशान रही। अब जब भाजपा सत्ता में है और उसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया है तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लोग देश के खजाने की चाबियां उनकी मां को वापस नहीं सौंपेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त को कहा, पिछले 3 महीने में मैंने और प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में हिंसा को लेकर उसके हल के बारे में बातचीत की है। हमने राज्यों को नहीं छोड़ दिया है। शाह ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी की मदद से उत्तर पूर्व में हवाई अड्डे और व्यापक सड़कें बनाई गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर राष्ट्र का अभिन्न अंग है। कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए हम विकास सुनिश्चित करते हैं। मैं वहां 3 दिनों तक रहा और मामले को सुलझाने के लिए दोनों समुदायों से बात की। कांग्रेस शासन के दौरान मणिपुर में हिंसा की कई घटनाएं हुई, फिर भी कोई गृह मंत्री वहां नहीं गया। लेकिन अब आप भाजपा पर निशाना साधने में तेज हो गए हैं। लेकिन मैंने राज्य का दौरा किया है, हमारे राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार 23 दिनों तक वहां रहे। कांग्रेस ने अब तक क्या किया? इन्हें इन अधारणीय हमलों को रोकने की जरूरत है। यह अमित शाह का करारा जवाब था। अमित शाह ने यह भी कहा, मणिपुर की घटना बेहद शर्मनाक है, लेकिन इस पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। ये सब करने के बजाय हमें समाधान निकालने और विकास को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।